और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि ऋषि कपूर जाने माने अभिनेता उनका निधन हो गया है। अब हमारे बीच वो नहीं रहे। अब से थोड़ी देर पहले खबर आई, फिल्म अभिनेता ऋषि कपूर का निधन हो गया है। कल उन्हें भर्ती कराया गया था अस्पताल में और आज ये दुखद खबर सामने आई है। ऋषि कपूर का निधन हो गया है। अस्पताल में वो भर्ती कराए गए थे। अभिनेता ऋषि कपूर, कई सारी फिल्मों में इनका अहम योगदान। और इस वक्त मेरे सहयोगी राजदीप प्रसाद देसाई फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजदीप, कल इरफान खान, आज ऋषि कपूर, लगातार दुखद खबरों का सिलसिला थम नहीं रहा। क्या कहें नेहा, ऋषि कपूर एक ऐसे एक्टर थे जो एक जनरेशन के लिए पूरी तरह से उनके दिलों में छा गए थे। बॉबी 1972 में रिलीज हुई थी, सुपरहिट बनी थी और उससे लगातार 70 के दशक में एक तरह से ऋषि कपूर पहले खुद बड़े स्टार और फिर अमिताभ बच्चन के साथ जो उन्होंने एक पिक्चरें की, उसके बाद उनकी एक छवि बन गई लोगों के दिलों में कि वो एक चॉकलेट बॉक्स हीरो थे। लेकिन उसके साथ साथ रोमांटिक फिल्म्स के साथ साथ जिस तरह से उन्होंने अलग अलग रोल्स किए और अंत में जिस तरह से उन्होंने अपने करियर को कैरेक्टर रोल्स में बदल दिया, मैं समझता हूँ बड़े एक्टर थे। कपूर फैमिली में राज कपूर की जो बेटन थी वो आगे ले गए और बहुत ही पूरी तरह से वो एक्टिंग में एक तरह से उनकी दिलचस्पी थी। वो मेरे स्कूल से थे तो मैं उनको बड़ी अच्छी तरह से जानता था और उनको ज्यादा पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं थी लेकिन एक्टिंग में बहुत ही एक तरह से उनका दिल, एक तरह से वो एक्टर थे, वाकई स्टार भी थे लेकिन एक्टर भी थे। और राजदीप, हमने देखा है कि किस तरीके से 2018 में कैंसर उन्हें डिटेक्ट हुआ था, उसके बाद एक लंबा इलाज चला, वो बाहर गए, विदेश वापस लौटे तो सभी ने उम्मीद की थी कि वो ठीक हो जाएंगे, इस बैटल को जीत लेंगे। लेकिन आज उन्होंने जिस तरीके से उनकी मौत की खबर आई है, ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो लंबी बीमारी थी उससे वो हार गए और जो लंबा सफर वो तय कर रहे थे वो कहीं ना कहीं अधूरा रह गया। बिल्कुल नेहा, कुछ दिनों पहले या कुछ महीनों पहले मैंने उनसे बात की थी जब वो अमेरिका से लौटे थे और वो मुझे बड़े हंसी मजाक कर रहे थे, कहा था कि नहीं वो जल्दी ठीक हो रहे हैं, वो एक तरह से फिर एक्टिंग करेंगे और उनमें एक पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दी। और ये यही तो मैंने इरफान खान के बारे में भी सुन रहा हूँ और ऋषि कपूर के बारे में ये जरूर है कि जब भी वो दुखद भी थे और उनकी वो बड़े पॉजिटिव एनर्जी के आदमी थे। राजनीति पर उनकी बड़ी दिलचस्पी थी तो कोई डिबेट अगर टीवी पर होता था तो पिछले कुछ महीनों में भी अगर वो देखते थे न्यूयॉर्क में हो या भारत में, वो उस पर उनकी टिप्पणी रहती थी। तो एक तरह से कैंसर भी हुआ लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी थी। और बड़ी दुखद खबर है कि इतने लंबे एक तरह से सफर और ये जंग के बाद उनकी आज मौत हुई है नेहा। राजदीप, साथ ही 70 के दशक का जाना माना नाम, एक चमकता हुआ सितारा, कई सारे ऐसे गाने जो ऋषि कपूर की याद में लोग आज भी याद करते हैं और कहते हैं कि ये तो ऋषि कपूर से जुड़ा हुआ गाना है और इसको बार बार गुनगुनाने का दिल करता है, कई सारी ऐसी यादगार फिल्में, अवार्ड्स की तो जैसे झड़ी लग गई थी। एक ऐसा आइकॉन जिसे 70 के दशक में सबसे सफल कहा जा सकता है और खासतौर पर यंग जनरेशन के लिए वो एक तरीके से प्रेरणा थे। बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात कही नेहा गानों की। ऋषि कपूर के एक पिक्चर्स की एक खासियत थी, उन पिक्चरों में गाने बड़े अच्छे थे। पहले शैलेंद्र सिंह उनके लिए गाने गाते थे, उनके प्लेबैक सिंगर थे, लेकिन धीरे धीरे किशोर भी उनके गाने गाने लगे। और अगर आप लगातार उनके पिक्चर देखें, बॉबी हो, रफू चक्कर हो, त्रिशूल हो, जो भी उन्होंने पिक्चर की, उन पिक्चरों में उनकी गाने बड़े थे। और खास करके नीतू सिंह के साथ जो उनकी बाद में उनकी पत्नी बनी और एक लंबा रोमांस था उनका, उन पिक्चरों में जो गाने हुआ करते थे वो लोगों को बहुत ही पसंद हुआ करते थे। पिक्चर जो भी हो, ऋषि कपूर के पिक्चर में हमेशा गाने बड़े अच्छे होते थे और वो बड़े अच्छी तरह से नाचते थे और ये उनकी खासियत थी। ही वॉज एक तरह से वो एक ऐसे एक्टर थे जो कॉमेडी कर सकते थे, इमोशनल रोल्स करते थे और सॉन्ग एंड डांस के जो पिक्चर 70 के दशक में खास करके जो बड़े पॉपुलर उनके जो हिट पिक्चर हुए थे उनमें एक खेल खेल में हो, रफू चक्कर हो, ऐसे पिक्चर में अगर आप देखेंगे तो ऋषि कपूर की जो सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग ये लोगों को बड़ी अच्छी लगती थी। बॉबी से शुरुआत हुई
और धीरे धीरे जैसे मैंने कहा अंत में तो कैरेक्टर एक्टर्स जिस तरह से उन्होंने अपने आखिरी दौर में किए, एक महान एक्टर हमें मानना पड़ेगा। राजदीप, ऋषि कपूर का मैं ट्विटर अकाउंट देख रही थी, जो आखिरी ट्वीट उन्होंने किया है 2 अप्रैल का एक ट्वीट है, उन्होंने अपील की है अपने सारे भाई और बहनों से कि किसी भी तरह का वायलेंस, स्टोन थ्रोइंग या फिर लिंचिंग ना करें। उससे पहले आपको ये दिखा देते हैं कि अमिताभ बच्चन ने ये दुख भरा ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि वो चले गए ऋषि कपूर और अभी उनका निधन हुआ है, बहुत दुख हुआ है और मैं टूट गया हूं। ये तमाम बातें अमिताभ बच्चन ने ट्वीट के जरिए कही है, अपनी श्रद्धांजलि दी है ऋषि कपूर की, और साथ ही उन्होंने कहा है कि अब एक तरीके से एक के बाद एक जो लगातार दुखद खबरें आ रही हैं उसको लेकर वो बिल्कुल टूट चुके हैं। अमिताभ बच्चन का ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे थे, और उससे कुछ ही देर पहले ऋषि कपूर के निधन की खबर आई। 67 साल की उम्र में ऋषि कपूर का निधन हो गया और एक लंबा अभिनय का सफर उन्होंने तय किया। 2018 में कैंसर उन्हें डिटेक्ट हुआ था, उसके बाद न्यूयॉर्क में उनका इलाज चल रहा था, वापसी उन्होंने की, लेकिन कहीं ना कहीं वो अब भी वापस लौटना चाहते थे, अभिनय करना चाहते थे, लेकिन इससे पहले कि ये हो पाता उनके निधन की खबर आई। कल तबीयत खराब होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और आज सुबह अभिनेता ऋषि कपूर के निधन की खबर। मेरे सहयोगी राजदीप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजदीप, मैं आपको बता रही थी कि किस तरीके से 2 अप्रैल का ये ट्वीट था ऋषि कपूर का, जिन्होंने इस ट्वीट में लिखा है कि कोई भी व्यक्ति वायलेंस, स्टोन थ्रोइंग, लिंचिंग ना करे, डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स, पुलिसमैन, इन सब का सम्मान करें, जो कोरोना वॉरियर्स हैं इनका साथ दें, क्योंकि ये हमारी जान बचा रहे हैं। तो कोरोना वॉरियर्स को लेकर उनका ये ट्वीट आया था और उन्होंने कहा था अंत में, प्लीज इन सब का सहयोग करें, इनका सम्मान करें, जय हिंद। बिल्कुल, देखिए ऋषि कपूर जैसे मैंने कहा ना, वो एक अपने आप को एक्टर भी थे, लेकिन हमेशा एक तरह से पब्लिक लाइफ में अपने आप को एक तरह से एक नागरिक की तरह देखते थे। तो जब भी इस तरह के कोई विवाद होते थे या पॉलिटिकल इश्यूज होते थे, उन पर वो हमेशा ट्वीट करते थे या टीवी पर भी आने के लिए तैयार थे। 2-3 साल पहले उन्होंने अपनी एक किताब भी निकाली थी